अगर आपके पास Redmi, Xiaomi या Poco का डिवाइस है और आप वेट कर रहे हैं HyperOS 2.0 का नया अपडेट का, तो आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HyperOS 2.0 कौन कौन सा डिवाइसेस को जल्दी मिल सकता है और कुछ नया फीचर्स। तो अगर आपको जानना है वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो, स्किप मत करो। पसंद आता एक काम करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और चलो स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो देखो devices that will be updated soon और आप expect कर सकते ये सब models, जो कि obviously आपका mid September तक हो सकता है और ये आपका China region के लिए, Indian और global ROM के लिए आपको wait करना होगा और 2 से 3 महीना। बट हाँ, अब China में ये सब devices को मिलेगा, धीरे धीरे आपको Indian और global भी जो ये सब devices को मिल जाएगा, जो कि आप read कर सकते हैं Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, Redmi K60E, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13, Redmi Note 13 R Pro, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus और आपका Redmi K55G, Redmi K13 R और C, Redmi Note 12 Pro Speed Edition और Redmi Pad। ये सबको आपको जो है जल्दी HyperOS का अपडेट मिड सितंबर तक चाइना में मिलेगा। और चाइना में अगर मिड सितंबर तक मिल रहा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट हाँ जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और कोई एक नया Redmi सीरीज का डिवाइस के साथ आई गेस HyperOS 2.0 का लॉन्च होगा और इसके बाद आपको धीरे धीरे जो स्केड्यूल देखने को मिलेगा और अपडेट भी साथ साथ देखने को मिलने वाला है। और अब आते हैं Xiaomi डिवाइसेस में। तो अब देखते हैं कौन कौन सा डिवाइसेस को HyperOS का अपडेट जल्दी मिल सकता है। वो आपका Xiaomi CV4 Pro, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Pad 6, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro और Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi 12 और Xiaomi 14 में HyperOS 2.0 का नया बिल्ड स्पॉटेड, मतलब स्पॉट किया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या नया देखने मिलता है। ऑफिशियली तो नई बटली इस पहले आपको देखने मिल जाएगा और वो आपको ऑब्वियसली इस चैनल पे मिलने वाला है। जैसे स्क्रीनशॉट और कुछ भी आएगा वीडियो तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं गेम टर्बो। तो गेम टर्बो आपको, गेम टर्बो जो है आपका उसमें पूरा मेकओवर देखने को मिलने वाला है और ये आपका HyperOS का जो लेटेस्ट बिल्ड स्पॉट हुआ है Xiaomi 14 में, उसी में देखने को मिला है। और ये आपको जल्दी जो है आपका नेक्स्ट मंथ या मतलब नेक्स्ट मंथ के बाद आपको ये वर्जन देखने को मिल जाएगा गेम टर्बो का, जो कि टूल बॉक्स आपको पता ही है। अब देखते हैं क्या मेकओवर आता है गेम टर्बो में, क्योंकि मैं एक्साइट ज़्यादा भी नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत हूँ। क्योंकि देखो गेम टर्बो है, ठीक है, गेम खेल के बस मतलब गेम के टाइम पे यूज़ किया जाता है और उससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। अब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है और मेकओवर अगर अच्छा रहेगा तो मज़ा आएगा और मतलब अच्छा ऑब्वियसली। तब देखते हैं क्या मेकओवर किया जाता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है कि खाली यूआई चेंज किया जाएगा, HyperOS का कुछ नया लुक। ऑब्वियसली देखो HyperOS में आपको जो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिला था जब आपका MIUI 14 से सीधा HyperOS में आया, बस खाली नाम चेंज किया गया था, थोड़ा बहुत लुक और यूआई में चेंजेस किया गया था। बट अगर आपका ये बाकी कुछ भी चेंज होना चाहिए तो अब शायद गेम टर्बो को पूरा मेकओवर मिलने वाला है। अब देखते हैं क्या चेंज होता है गेम टूल बॉक्स में, तो उसके लिए तो वेट करना होगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून रहो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करो। और इस वीडियो में लाइक में 111 रखते कंप्लीट करो और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।